तो और भाई क्या हालचाल, संस्कार से नमस्कार। भाई जनरली हमारी ऑडियंस जो कि रितु रिवा का काफ़ी लोग फैन थे, उन लोगों का बस यही मानना था कि भाई किसी तरह रितु रिवा को जस्टिस मिल जाए इंडियन आइडल 13 से, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो वहाँ से इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रिश्ता, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर हम बात करते हैं कि इनका हीर और आंजा इनका एल्बम आता है, वहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो अच्छे तरीके से वायरल हो जाए, व्यूज़ आ जाए, तो कहने को जस्टिस हो जाएगा, जो कि 11 मिलियन क्रॉस कर चुका है इनका एल्बम। लेकिन अब आप सबको वही बता दें, ये रिकॉर्ड के साथ साथ एक उस एल्बम में एक कमेंट था जो कि हमारे यूट्यूब के वजाहत हसन नाम के एक यूट्यूबर हैं, जो जनरली वो कॉल पे प्रैंक करते हैं, ठीक है, और बहुत सी जगह पे उनको देखे होंगे आप सब। उनका यही कमेंट था कि रियल टैलेंट डजंट नीड ए स्टेज लाइक आइडल, इट जस्ट नीड द सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपुल, हाउ एवर विन द टाइटल वॉन्ट बी एबल मैच दिस लेवल ऑफ द लव फ्रॉम ऑडियंस ब्यूटीफुल सॉन्ग। उनका जनरली मेन कहने का मतलब यही है उनका कि जो रियल टैलेंट होता है ना, जैसे रितु रिवा का है, उनको कोई स्टेज की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना स्टेज बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हो इनका एल्बम आया, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट से ज़्यादा ये पॉपुलर हो गए भाई, ये है सच्चाई, ठीक है। तो भाई कह सकते हैं एक नया रिकॉर्ड है रितु रिवा के फैंस के लिए भी और रितु रिवा के लिए भी, यही है सच्चाई मेरे भाई। अगली वीडियो मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।